और ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर क्या तहखाना खुलवाया जाएगा, क्या वीडियोग्राफी अंदर होगी, क्या कोर्ट कमिश्नर बदला जाएगा, क्या खुद जज साहब जाएंगे और उनकी मौजूदगी में होगी ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी। ऐसे कई पहलू हैं जिस पर दोनों ही पक्षों ने अपने अपने मत रखे अदालत में, और कल 12 बजे इस पर निर्णय आने की उम्मीद है। जो हिंदू पक्ष है वो लगातार ये कह रहा है कि यहां पर वीडियोग्राफी कराई जाए, उसमें कोई बाधा न आई जाए। जो मुस्लिम पक्ष है वो कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग कर रहे हैं। एक बार फिर सुनते हैं क्या कहना है वकील का। क्या अंदर फैसला सर्वे अंदर भी होगा या नहीं होगा, इस पर भी कल 12 बजे जी कल 12 बजे क्लियर कर देगा कोर्ट के अंदर जाना है। वकील कमिश्नर बदले जाएंगे कि नहीं बदले जाएंगे, ये भी कल 12 बजे क्लियर होगा। ये भी कल 12 बजे क्लियर होगा। तहखाने को लेकर जो बात कही जा रही है, तहखाने को लेकर बात कही जाती है उस पर आज क्या कोर्ट ने कहा? हमने आर्गुमेंट्स कर दी है, फैसला कोर्ट का कल आएगा, कोर्ट का जो निर्णय होगा वो 12 बजे सबको पता चल जाएगा। कोर्ट कमिश्नर को बदलने की भी मांग की गई, कोर्ट कमिश्नर को बदलने की जो मांग है, और उसके साथ ये मांग है कोर्ट स्वयं कराए। इसके ऊपर जो वैचारिक जो व्यवस्था आएगी वो कल 12 बजे आ जाएगी। बिल्कुल हमारे साथ और आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, अदालत में क्या क्या मत रखा दोनों पक्षों ने, निर्णय कल आने की उम्मीद 12 बजे? बिल्कुल गौरव, अदालत में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी और आज तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा इस पर बहस भी चली है। कल दिन के 12 बजे अब ये फैसला हो जाएगा कि कब ये सर्वे होगा, क्या कमिश्नर बदले जाएंगे, अदालत क्या खुद अपने निगरानी में इस काम को कराएगा। बहुत सारी बातें हैं जिस पर कल 12 बजे फैसला हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से जो वकील हैं उन्होंने अपनी अपनी दलीलें रखी। मस्जिद का ताला खोलकर सर्वे कराने की जो बात थी वो भी रखी गई। दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे उनका कहना था कि जो माता श्रृंगार गौरी की जगह है वो परिसर के बाहर है, इसलिए भीतर आने से रोका जाए। लेकिन कुल मिलाकर के एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि पिछले 2-3 दिनों से जो ये लगातार चल रहा था कि इस पर कब अदालत फैसला लेगी, तो अब सारी सुनवाई के बाद ये तय हो गया कि कल 12 बजे इस पर फैसला सुनाया जाएगा। आज पूरी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया। गौरव, जो मुस्लिम पक्ष है वो वीडियोग्राफी के पक्ष में नहीं है, खासतौर पर मस्जिद के अंदर। जो हिंदू पक्ष है वो तहखाने को भी खुलवाना चाहता है। यहां तक बात चल रही है कि अगर ताले की चाबी नहीं है तो ताला तुड़वाया जाए। ऐसा तहखाने में क्या है जिसकी वीडियोग्राफी की बात चल रही है, क्या अदालत में ये बात खुलकर आई? बिल्कुल, हिंदू पक्ष की तरफ से कहा भी गया गौरव की जो तहखाने हैं उसकी भी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, साथ साथ जो ज्ञानवापी परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद है, मस्जिद के आसपास भी ढेरों चिन्ह है, ऐसी चर्चा की गई बताया गया। तो साथ साथ तहखानों के साथ साथ मस्जिद के आसपास के जो तमाम क्षेत्र हैं उस पर भी चर्चा चली है, और ये चाहते हैं कि जो उसका इलाका है, मस्जिद के भीतर का जो इलाका है वहां तक एक्सेस दिया जाए जो कोर्ट कमिश्नर हो उन्हें भी। यहां तक कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी कहा गया कि खुद जो जज हैं वो भी विचार करें कि उन्हें भी इस पर चलना चाहिए, चल के खुद देखना चाहिए, जबकि हिंदू पक्ष ने भी इस पर हामी भरी है। यानी कि एक ये दोनों की तरफ से कंसेंसस है कि अगर जज खुद चल के देखें तो ज्यादा बेहतर हो। तो कुल मिलाकर के अब कल इस पर क्या फैसला आता है, कोर्ट ने आज इसे सुरक्षित कर लिया, लेकिन वो पूरे परिसर में भीतर तक जाकर के, चाहे वो तहखाना हो या मस्जिद का इलाका हो, दोनों जगहों पर जाकर के इस सर्वे की बात कही गई है।